आप 10 सालों से केंद्र में बीजेपी का राज देख रहे हैं, 10 सालों से यहां पे केसीआर जी का राज देख रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, बीजेपी बीआरएस की मदद करती है। और इनका तीसरा साथी एमआईएम, जो तेलंगाना में सिर्फ बीआरएस और बीजेपी की मदद के लिए आए हैं। ओवैसी जी सबसे बड़ा आक्रमण राहुल गांधी जी पे करते हैं। राहुल गांधी जी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले इस देश को एक आवाज में एक करने के लिए। ओवैसी जी हर भाषण में राहुल गांधी पर आक्रमण करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में 40-50 सीटें लड़ रहे हैं, यहां आकर 9 सीटें लड़ रहे हैं। ये तीनों एक तरफ हैं, बीजेपी जो पिछले 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है, जिसने देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। बीआरएस जो तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके भ्रष्ट नेता अपने महलों में रहते हैं, जनता से नहीं मिलते। और एमआईएम जो इनकी मदद करती है। ये तीनों एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति, दूसरी तरफ सच्चाई की राजनीति। एक तरफ अपनी सत्ता को बटोर के अपने लिए रखने की राजनीति, दूसरी तरफ आपको जनता को शक्ति और सत्ता देने वाली राजनीति है।